हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? तो हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज देखिए हम आप लोग के लिए क्या डिश लेके आए हैं। तो आज हम निनुआ लेके आए हैं। तो ये देखिए, हम निनुआ को अच्छे से पहले हम इसको छील लिए हैं। अगर हम चाहे तो बिना छील के भी थोड़ा थोड़ा, जिसे ऊपर से छील के थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम आज इसको इस तरह से छील लिए हैं। तो ये देखिए, और बिल्कुल मेरा ताज़ा निनुआ है। तो इस तरह से देखिए, हम निनुआ का सब्जी आज बनाएंगे। तो हम ये देखिए, यहाँ पर हम 1 केजी निनुआ लिए हैं, क्योंकि निनुआ गल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम 1 किलो निनुआ लिए हैं। तो किलो में 1 किलो है, और इसे मैंने 1 केजी हुआ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम चना का दाल लिए हैं। तो आज हम चना के दाल के साथ बनाएंगे निनुआ का सब्जी। और यहाँ पे हम 2 प्याज काट लिए हैं, तो बड़े बड़े साइज़ का 2 प्याज लिए हैं। उसके बाद ये देखिए, ये हम कुछ हरी मिर्च ले लिए हैं, तो यहाँ पे हम 2 हरी मिर्च काट लिए हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे हम अदरक का टुकड़ा डाले हैं। तो ये तीनों मिला के हम चलिए बहुत बेस्ट सब्जी बनाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कढ़ाई चढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 टेस्पून हम यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर में ये देखिए कच्ची घनी लिए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा तेल हम नहीं डालेंगे, तो थोड़ा सा ही तेल में हम अच्छे से बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 टेस्पून इसमें हम जीरा डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हम छोटी वाली टेस्पून लिए हैं, तो यहाँ पे 1 टेस्पून जीरा डाल देंगे। थोड़ा सा हम और डाल दे रहे हैं। और अब यहाँ पे देखिए, ये सब्जी हम काट लिए हैं बारीक बारीक। ये सब्जी हम देखिए छोटे छोटे पीसेस में हम सब्जी काट लिए हैं। ये जो निनुआ था, तो हम इस तरह से काटे हैं, और आपको जिस आकार में काटना है तो आप उस आकार में काटें, लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से काट लिए। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरा जीरा अच्छे से पक चुका है। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, तो ये बारीक कटा हुआ हम हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक तो हम डाल देंगे। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये 2 प्याज हम काट लिए हैं। तो हम बड़े बड़े साइज का प्याज काट लिए हैं, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो अच्छे से हम इसको हम पका लेंगे। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे, थोड़ा सा पक जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज जो है थोड़ा थोड़ा गल गया है। तो अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, तो ये देखिए, जो हम चने की दाल अच्छे से भिगो लिए थे और इसको हम धो लिए हैं, इसको हम 1 घंटा पहले इसको हम भिगो दिए थे, जो अच्छे से ये फूल जाए। तो ये देखिए, आज हम कढ़ाई में ही बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको इसमें डाल देंगे, और हम साथ में इसको हम पका लेंगे 1 मिनट तक। तो इस तरह से देखिए, हम इसको पका लेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये देखिए, हम यहाँ पे 1 टेस्पून हम ये हम नमक डाल देंगे। तो हम यहाँ पे नॉर्मल नमक ही डालेंगे। और यहाँ पे देखिए, 1 टेस्पून हम धनिया पाउडर डाल देंगे, और यहाँ पे हम 1/2 टेस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। तो ये देखिए, हम 1/2 टेस्पून हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। और अब हम यहाँ पर में 1 टेस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से डालें, नमक भी आप अपने हिसाब से डालें। तो यहाँ पे देखिए, हम अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिए हैं। तो ये अदरक और लहसुन और हरी मिर्च है, तो हम इसका पेस्ट बना लिए थे पीस के। तो अब हम ये डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पर मैं देखिए, हम डाल दिए हैं। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग बनता है। इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा सब्जी। यहाँ पे देखिए, ज़्यादा मसाला ज़्यादा कुछ नहीं हम इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरह से जब आप सब्जी बनाएंगी, बहुत ही टेस्टी बनता है, और आपको बार बार, एक बार जब बना के खा लेंगी तो आपको बार बार मन होगा जो हम यही सब्जी खाएं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये देखिए, कटा हुआ जो ये हम रखे हैं, तो काट के जो हम रख लिए हैं निनुआ, तो हम इसमें निनुआ डाल देंगे। तो इस तरह से जब निनुआ आप बनाएंगी, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको हम 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर, मैं ये देखिए हम ढक दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 1 मिनट हो चुका है। तो आप देख सकती हैं क्योंकि नेनुआ में पानी छोड़ता है, तो ये देखिए नेनुआ मेरा अच्छे से गल चुका है। और नेनुआ के साथ साथ ये देखिए ये चने की दाल भी, ये देखिए इस तरह से ये भी गल गई है। ये देखिए ये भी बिल्कुल गल गया है। तो ये देखिए इस तरह से आप देख सकती हैं। तो आप देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा, ये देखिए ये सब्जी नेनुआ की और चने की दाल के साथ नेनुआ की सब्जी कितना बढ़िया बन गया है। तो चलिए अब इसे हम 1 मिनट तक और पका लेंगे। और ये सब्जी मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम थोड़ा देर के लिए 1 मिनट के लिए ढक देंगे, बस 1 ही मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरा सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। तो कितना यमी लग रहा है देखने में, ये देखिए इसका कलर देखिए कितना बेहतरीन है। तो बिल्कुल इस तरह से हम लोग गाँव में बनाते हैं इसका सब्जी। तो हम एक एक रेसिपी आपको हम दिखाएंगे और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। और ये देखिए सबसे बड़ी बात, इसका कलर देखिए कितना बढ़िया है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से सब्ज़ी एक बार, क्योंकि ना इसमें हम ज़्यादा मसाला यूज़ किए ना तेल यूज़ किए हैं। तो सिंपल सी रेसिपी है और झटपट बनने वाली है। तो आप इसको कोई भी चीज़ के साथ खा सकती हैं, पूरी हो, रोटी हो, चावल हो। तो आप ज़रूर, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर, बिल्कुल ढाबा स्टाइल है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। तो अब चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग के साथ। तो आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोग हम जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर रेसिपी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके भी बताएं। अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको, आप लोग के लिए फिर हम अच्छे से और बहुत ही अच्छे से हम रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और एक बार आप इस तरीके से सब्जी बना करके, नेनुआ और चने की सब्जी ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए आज हम बिल्कुल आप लोग को बिहार की याद दिलाएंगे, और बिहार की खुशबू है इस सब्जी में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।